राजनीति में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए राजनेता तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं और यह बात एक सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो साबित कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर जनपद के विधानसभा के मिश्र क्षेत्र की, जहां पर एक ऑडियो पूर्व कारागार राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी का है, जिन्हें सपा के गठबंधन से उनके पुत्र मनोज राजवंशी को टिकट मिला है। वहीं बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे की स्वयं जैसी आवाज से ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाकर वायरल की गई, जिसको लेकर काफी चर्चाओं का माहौल गर्म देखा जा सकता है। जी पंडित जी, हेलो। हाँ दादा, आप बताइए, आवाज नहीं आ रही थी। हम ये कह रहे थे, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है प्रमुख जी, और आपसे बुद्धिजीवी हम नहीं समझते थे। लोगों के बीच में कहा करते थे बुलेंद्र थे जरूर, मगर राम किंकर के आधे भर नहीं है बुद्धिजीवी। और आप बुद्धिजीवी, हाँ, एक भी हमारे शरीर से एक इंच भी कोई कष्ट नहीं होगा, ये हमारा वचन है। नहीं, वचन तो आपका है, मगर इन लोगों को यदि हड़काया जा रहा है, ये महिलाएं जिस समय आपने वो किया है, आप आपने वो उसको गन्नी सरी को कहा, आप उसे क्या सावित्री से कहा काम नहीं करने देंगे। सुन तो लीजिए पूरी बात, हम काम नहीं करने देंगे, ब्लॉक मेंबर का काम करती हो करने नहीं देंगे, उससे कहा तुम कोटा चलाती हो और तुमको कोटा नहीं रहने देंगे, 12 बजे आ जाओ हमारे यहाँ मिश्रिक में चाय पी लो आके और चली जाओ, मगर ये न्याय संगत नहीं है ना। नहीं नहीं, हम आपको बता रहे हैं, हमारी सुनिए दादा, हाँ ऐसा है, सावित्री को आज तक शक्ल से भी हमने नहीं देखा, अगर वो हमसे कभी कह दे कि प्रमुख जी ने कहा हो तो मैं भी इस्तीफा दे दूं अपने पक्ष से, नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। सावित्री को हम जानते भी नहीं सकते, पंडित जी इस्तीफा नहीं दे पाओगे, बिल्कुल नहीं दे पाओगे। हम झूठी बात नहीं करते भाई साहब, नहीं नहीं, हम जानते हम बहुत कुछ जानते हैं प्रमुख जी, क्योंकि आपके इतना हमारा पोता हो गया बानवर, ये प्रमुख जी मत कहिए, मैं बहुत कुछ जानता हूँ आपका, आपके बराबर हम जो पोता है हमारा पोता तीसरी पीढ़ी, और आप ये मेरा बात कह रहे हो, भगवान ने तुमको बहुत कुछ दिया है, मगर अपनी गरिमा को बनाने के लिए बहुत कुछ आपने किया, हमने कहा था। आप सावित्री से पूछिए कि कभी प्रभु जी से बात हुई है हमारी उनकी? हाँ हुई है, आज ही रात में हुई है। आप उनको केवल विंदेश्वरी देवी से हमने टेलीफोन से बात की थी, वो भी हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उनका माननीय विधायक जी से कार्य कराया था, तो विधायक जी ने कहा कि उनसे बात कर लो, वो भी शिष्टाचार संस्कृति में बात हुई कि आके हमसे मिल लेना, हमारे साथ चाय पी लेना। नहीं तो फिर ये बात, यही तो हम बात कर रहे हैं, आप यही तो सबसे एक अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यही तो सबसे कह रहे हैं, प्रधानों से यही कह रहे हैं, यही बीडी जी से कह रहे हैं, और मीटिंग परसों आपने रामकिशन से कराई, लोग प्रधान तुमसे दुख तो चले गए, आपने कराई, ये दबाव मत डालिए प्रमुख जी, कोई समझ रहे हैं। हमारी डॉक्टर साहब से, हमारी डॉक्टर साहब से बात हो गई है गोपनीय, गोपनीय हमारी वार्ता डॉक्टर साहब नेकराम जी से हो गई, फिर बैठ के और वो सब आपसे वार्ता कर लेंगे, किसी भी प्रकार से हमारे शरीर से कोई आपका हित नहीं होगा। बस हित नहीं होना चाहिए, बता रहा हूँ, मगर हम जानते सब कुछ है पंडित जी, आपके बेटे का चुनाव है, वो हमारा प्रिय भाई है, हमारे शरीर से हमारे भाई का कोई हित नहीं होगा, ये वचन है। नहीं वो ठीक है, मगर आपका वहाँ से झगड़ा हुआ, वो उसका क्या नाम, तुम्हारे गाँव से हम सालों का ठाकुरों का साथ नहीं दिया, आप ये सोच लो, हम सब तुम्हारे साथ में जो बेइज्जती और बदनामी हुई ये कम थोड़ो हुई है, और ठाकुर लोगों का हाथ भी हमारे दरवाजे नहीं आते हैं, बड़े फाटक वाले। नहीं नहीं, 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 वो अपना देखिए, वो पैतृक गांव का मामला है, हमने परिस्थितियों जन्य सारी चीजें छोड़ गई, मैं तो उनकी कोई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति हमारे समक्ष नहीं है, तो वही हम कह रहे हैं ना, यही हम कह रहे हैं, बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में, तो इसलिए हम लोगों का घर परिवार का रिश्ता है, उस रिश्ते में कोई दरार नहीं आने दी जाएगी। बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसको भेजा हूँ। आपको 23 फरवरी तक कोई भी ऐसा शब्द नहीं सुनाई देगा, केवल नेकराम यादव जी डॉक्टर साहब इसके जिम्मेदार रहेंगे। ठीक बस ठीक 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 किसी भी प्रकार से
हमारे प्रिय भाई मनोज भैया के लिए कोई आपको हमारे शरीर से नहीं करेगा, हम केवल सामाजिक अपना लपर चपर रहेगा, योगी मोदी बात हल्की फुल्की बस पार्टी वाली बात रहेगी। अरे हम रहे में यहाँ आए ये जान लो महाराज जी, अयो तुम घूम के यहाँ समाजवादी में यहाँ हम तो तुम्हारे भाई हैं ना, उनका तुमसे अलग है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब लपो झपो करना छोड़ दो उनसे, चलो किसी नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बीमार हैं, हम लोग एक हमारा परिवार है आप जान ही रहे, हम नाम नहीं लेना चाहते, कह रहा हूँ वही बात कह रहा हूँ, कह दो हम ये नहीं करेंगे, हमसे नहीं लेना, हमारा परिवार है, हमारा घर है और हम लोग एक घर में रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे, कोई आपको कष्ट नहीं होगा दादा, हम यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, यही चाहते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कुछ कहे आप सीधे हमसे टेलीफोन मिला के बात कर ले, तो इसीलिए मैंने नेक राम को बुलाया और नेक राम से हमारे बीच में आपकी बात हुई थी जो भी हुई थी, इसीलिए उनको भेजा, हमने कहा जाइए आप निश्चिंत रहिए 23 फरवरी तक कुछ भी कहीं तकलीफ नहीं होगी और ईश्वर करेगा सब विजय शिल्प में परिवार में आएगी, ये ईश्वर की प्रार्थना हमारी है ब्राह्मण होगा, जी 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 जी, हमारे परिवार का माता पिता का घर परिवार का हम लोगों का संबंध रहा है जी जी, और जो संबंधों में दरार और जो चीजें आ गई थी वो आपने हमारी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बता के आंखें खोल दी थी, और हम तो बताए थे हमारे पास हमारे घर के परिवार के सब लोग आए थे, निर्भीकता से आपने बताई कि आपके घर के लोगों की आपके लिए क्या सोच है और सब आपने हमें हृदय से बताया, उस समय में मुझे बड़ा अच्छा लगा और किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी कहे, अब कोई भी किसी से कोई रामचंद्र पांडे का कोई अनुरोध कोई किस दिक्कत नहीं होगी, सब शांत रहेगा मामला, ठीक ठीक ठीक, इनका बता दो, इनका जो कुछ बता दो ये सबको कह ले, तुम मिलो चाहे मिलो, हम सब डॉक्टर साहब से मिला के बात करेंगे, ये बात कर लो जरा, सब हम देखेंगे दादा, ठीक है, ठीक ठीक, हम सब देखेंगे और सारी व्यवस्थित व्यवस्थाएं होंगी, ठीक ठीक, कोई भी मिट्टी का आदमी भी नहीं कहेगा कि प्रमुख जी हमसे कह रहे हैं या कोई हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, जी मंत्री जी, हाँ ठीक है, सारी बातें कर लो फिर बात हो जाएगी, ठीक 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 ठीक, जय राम, जय राम। हमारे विधानसभा क्षेत्र मिश्रिक में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमारी संचालित थीं, जो गरीब तबके में कमल के फूल पर 23 तारीख को जो बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों ने मिलके एक साथ हम लोगों ने परिश्रम करके माननीय रामकृष्ण भार्गव जी को जिताने के लिए सतत प्रयास किया, इससे प्रतिपक्ष बौखला के निराधार काल्पनिक मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाकर एक आडियो तमाम मोबाइल के ग्रुपों पर मैंने भी देखा है प्रचारित किया जा रहा है, वो मनगढ़ंत है, न मेरी कभी कोई वार्ता हुई है, मैं किसी भी विषय पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस विषय में कोई किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं, वो मनगढ़ंत है और एक मेरी राजनीतिक छाप खराब करने के उद्देश्य से किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ, पार्टी ने मुझे ब्लॉक प्रमुख बनाया, जो दायित्व दिया है तन मन धन से मैंने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम किया है।